स्वागत है मेरे चैनल में। मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, लेकिन 8 से अंदर नहीं जा सकते क्योंकि 10:30 के बाद ही जाना है मुझे। तो आप लोग देख लो कि LB प्रसाद कैसा होता है। आप लोग भी जब आओगे तो आप लोग को टेंशन नहीं होगा, लेकिन LB प्रसाद में आने से पहले आधार कार्ड और पूरा टाइम लेके आना, क्योंकि आप बहुत टाइम का आ रहा हूँ। अपॉइंटमेंट जो मैं LB प्रसाद में लिया हूँ वो किस तरह का होता है, पहला तो ये अपॉइंटमेंट मेरे को मिल गया है 11:10 का। अपॉइंटमेंट सीट देख लीजिए आप लोग कैसा होता है। पहला पेशेंट का नाम रहेगा, उसके बाद डॉक्टर का नाम रहता है, उसके बाद टाइमिंग दे देता है कि कौन से टाइमिंग में कौन से फ्लोर में जाना है। लेकिन जब अपॉइंटमेंट लिया जाता है तो उस समय जो आधार कार्ड है वो इम्पॉर्टेंट है खाली, बस आधार कार्ड को से आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर का जो टाइमिंग रहता है उस टाइमिंग पे वो फ्लोर को जाना पड़ता है। अपॉइंटमेंट जो सेंटर है यहाँ पर एंट्री होता है यहाँ पर, लेकिन मेरा जो है अपॉइंटमेंट सीट है 10:30 का, तो 10:30 को ही जाना है यहाँ पर अंदर, तो इससे पहले मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे पूरा इंतज़ार कर रहा हूँ। एंट्री है, जिसका अपॉइंटमेंट हो गया वो अंदर जा सकता है, टैग दे रहा हाथ में जो पेशेंट रहते हैं। प्रसाद का थोड़ा इनसाइड एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और वहाँ पर तो ऑलरेडी आपको दिखा दिए कैफेटेरिया। कैफेटेरिया में लेकिन खाना बहुत अच्छा रहता है, मैं वहाँ पे कैफेटेरिया में खाना खाया हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है कैफेटेरिया, खाना अच्छा है, टी स्टॉल है यहाँ पे, लोग देखिए खा रहे हैं, तो कैफेटेरिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी क्या हुआ ना कि मैं इंश्योरेंस के लिए गया कि देखने के लिए जो लिस्ट है इंश्योरेंस का क्या क्या होता है, तो एक इंश्योरेंस हेल्प डेस्क है, आप इंश्योरेंस हेल्प डेस्क दिखा देता हूँ मैं कहाँ पर इंश्योरेंस हेल्प डेस्क, वो लास्ट में है, और इसमें आपको लिस्ट भी दिखा देंगे कौन कौन सा लिस्ट होता है। ये इंश्योरेंस है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस है तो आप अपना कार्ड दिखा सकते हैं, उस हिसाब से रिइंबर्समेंट होता है, क्लेम रिइंबर्समेंट होता है। तो इंश्योरेंस का लिस्ट आप मैं लिया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंश्योरेंस का लिस्ट है, आप लोग देख पा रहे हैं, यूनाइटेड हेल्थ केयर का है, मेडी असिस्ट है, पैरामाउंट है, ये सब फेमस, स्टार हेल्थ जो बहुत फेमस है, ये सब इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो आपका क्लेम रिइंबर्समेंट हो जाता है, जिसका मतलब कि आपको अमाउंट नहीं देना पड़ता है।